मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून का फरीदाबाद में समर्थन किया गया एवं विरोध के नाम पर बसें जलाने, देश जलाने वाले घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग की गई। पारस भारद्वाज ने इस पैदल मार्च की अगुवाई की। पैदल मार्च के दौरान इस कानून के बारे में जनता को जागरूक भी किया गया। देखिए वीडियो। जब हमारे देश में जो घुसपैठिए हैं, आज उनको निकालने के लिए अगर हमारी सरकार एक कानून बनाती है तो ये घुसपैठिया हमारे जो संपत्ति है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, उसको जलाने का काम करते हैं। आज हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो जब ये नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क पे आ सकते हैं, तो क्या हम अपने देश के लिए उसके समर्थन में नहीं आ सकते? तो मेरा सबसे निवेदन है, जो लोग, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जितने भी लोगों तक मेरी आवाज आ रही है, तो आप भी हमारे साथ जुड़े, इस पैदल यात्रा में जुड़े हमारे साथ, और यहाँ से यात्रा तेलमीर तक जाएगी। युवाओं पर ध्यान देकर अपने ही देश का नुकसान करने में लगे हुए, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करने में लगे हुए हैं। तो हम इस शांति मार्च से मैसेज देना चाहते हैं कि इस कानून के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा देश एकजुट है, और कोई भी आदमी, कोई भी घुसपैठिया, चाहे वो किसी भी, अगर वो हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में रहता हो, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो प्रदेश, चाहे वो इस देश के किसी कोने में रहता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको एक कानून के तहत इस देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो ये इसमें हम सरकार के साथ है, सरकार के बिल्कुल समर्थन करते हैं। भारत माता की जय। जुड़ते चलो, जुड़ते चलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। जो देश में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जो घुसपैठी है हमारे देश में घुसे हुए हैं, ये उनके लिए है। ये नागरिकता लेने का अधिकार, लेने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। जो लक्ष्य धारण किया है, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जो कार्य 70 साल में पूरे नहीं हुए, वो आदरणीय मोदी जी ने 5 वर्ष में पूरे कर दिए। दर्द होना लाजमी है
उन्होंने हमेशा हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश की, जो आज इंडिया गेट पर धरना धर रहे हैं। रोज जब कभी भी कोई नागरिकता बिल की बात आज मोदी जी ने पास करवा दी तो कितने डरते, क्योंकि हमेशा उन्होंने बांटने का कार्य किया है, कभी जोड़ने का कार्य किया ही नहीं। मेरे भाइयों, जो तोड़ना जानते हैं वो जोड़ना जान ही नहीं सकते कभी भी। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक सूत्र एक माला में पिरोने का काम किया है और यही बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही। हमेशा मैं बात करूं, जब अलीगढ़ की ट्विंकल खन्ना का रेप होता है तो वहां पर नहीं जाती, जब ट्विंकल खन्ना का शर्मा का हुआ था रेप, लेकिन जब कहीं किसी मुस्लिम बहन का हो वहां पर पहुंच जाती है। मैं आज एक बात कहना चाहती हूं, वो भी हमारी बहनें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब इस भारत देश में रहते हैं और इसी देश के नागरिक हैं मरते दम तक। और ये बात उनको ये समझाने की जरूरत है कि वो आज इस देश में फूट फैलाने डालने का काम कर रहे हैं। इन कांग्रेसियों को मैं कहना चाहती हूँ कि वो कभी इस देश को बांटने की बात ना करें। उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति की है और मोदी जी ने इस जनता को प्यार देने की राजनीति की है। आज वो कुर्सी पर बैठे हैं तो वो इस बात के लिए बैठे हैं कि हमेशा उन्होंने, क्या तीन तलाक हुआ था तो मोदी जी ने ये कहा था कि ये बहने मुसलमान है, जब एक जैसी वो काम कर रहे हैं हमारे इस देश के लिए, कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो हमारी बहन है और हमारे समाज के लिए है, इसीलिए उन्होंने इतना कठिन फैसला लिया। तभी भी उस बात पर दंगे हुए थे, तभी भी बुराइयां ली थी मोदी जी के लिए। अगर उन्होंने ये उदाहरण दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो वो सार्थक कर भी दिखाया। आज इतनी सारी अनेक योजनाएं चल रही है, उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि ये हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, समांतर योजनाएं चल रही है, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस देश को बांटा जाए। हम इस देश के वासी हैं, जीवन भर रहेंगे, जब तक अंतिम सांस है हमारे शरीर में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें ये संदेश उन तक पहुंचाना है। इस देश में अगर मुस्लिम भाई भी रह रहे तो ये देश उनका है, लेकिन वो पाकिस्तान की भाषा को प्रयोग ना करें, क्योंकि हम अगर भारत देश में रह रहे हैं। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान हमेशा हमें धमकियां देने की कोशिश करता है कि मैं बम गिरा दूंगा, तो क्या वो ये सोच के बम गिराएंगे कि वहां पर मुसलमान भाई भारत में रहते तो उन पर बम ना गिरे? अरे हमें लड़ना है एक साथ एकजुट होकर। हम इस देश के नागरिक हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने से पहले भारतवासी हैं और भारत माता की। आज शांति मार्च के थ्रू ये मैसेज दिया जा रहा है कि चाहे मेरी आवाज को यहाँ एक एक भाई, चाहे मेरा भाई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी इसमें शामिल हो और ये दिखा दे कि हम सब एक हैं, हम इस भारत के वासी हैं और इस भारत में अपनी जान लुटाने में एक मिनट नहीं लगाएंगे, चाहे कोई कितनी भी राजनीति करने की कोशिश कर ले, और पहले भी की गई है, लेकिन इस भारत का बाल बांका ना पहले कर पाए और ना आज कर पाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और हमारे इस भारत देश में मैं यही बात कहना चाह रही हूँ, मैं चाहे बीजेपी की बात करूँ या कांग्रेस की, किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात इस बात की कर रही हूँ कि जो हिंदुत्व के लिए काम करे वो हमारा है, बात पार्टियों की भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो दूसरे लोग इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो ऐसा काम न करे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई कांग्रेस भारत जी।